हरियाली तीज के पवित्र अवसर पर 7 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग पूरे राजस्थान में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस दिन प्रदेशवासियों द्वारा एक साथ करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पत्रकारों को जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर राजस्थानवासी एक पेड़ माँ के नाम का पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। ये कदम प्रदेश की तपती धरती को इस भीषण गर्मी और निरंतर बढ़ते तापमान से राहत देने के लिए उठाया गया है। मित्रों, 7 अगस्त को हरियाली तीज है और राजस्थान सरकार ने संकल्प लिया है कि हरियाली तीज के दिन हम सब मिलकर के, जिसमें आप भी शामिल हैं, राजस्थान की धरती को हरा भरा करना चाहते हैं। देखो, हमने सब पेड़ों की व्यवस्था कर ली, वन विभाग ने व्यवस्था कर ली है। हमने कहा जितनी अपनी नर्सरियां हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबसे बातचीत हो गई। हमने जिला कलेक्टर को ये भी कहा है कि यदि आपके यहाँ पेड़ उपलब्ध न हो तो नज़दीक के स्टेट से, प्रदेशों से ही बात करें और वहाँ से भी पेड़ों की व्यवस्था करें, और यदि वह भी कम पड़ेंगे तो आजकल वो बॉल बीज सीड बॉल अंग्रेजी में सीड बॉल कहते हैं, बीज गेंद कर सकते हैं उसको भी आप फेंक सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बीज से भी जल्दी बड़े हो जाते हैं, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। हमारा मकसद एक है कि बीज से पौधा बने, पौधे से वृक्ष बने, ये हमारा है और हमने सब व्यवस्था कर ली है। और इसीलिए हमने कहा लोगों से कि जिसको भी आवश्यकता जितने पेड़ लगाने की हो अभी नोट करा दे, हमारे पास पेड़ों की कमी नहीं है। हम पेड़ों की कमी होगी तो आज ही हम जिला कलेक्टर को कह देते हैं कि पहले भी कहा हुआ है, यदि आज भी कोई लाखों की संख्या में हमारे पास हाथ इतने लगाने वाले हैं तो हम पौधे कहीं से भी लाएंगे। पौधे नहीं होगी तो हमारे पास बीज बोल है, हम दूसरा बीज भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना और धरती का तापमान कम करना है, ताकि हम सब लोग स्वच्छ और स्वस्थ रह सकें और जिंदा रह सकें। दिलावर ने बताया कि इस मुहिम के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। विद्यालयों में वृक्षारोपण के लिए यूथ एंड इको क्लब के माध्यम से 37 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। विगत 3 महीनों में विभिन्न जिलों का दौरा कर प्रदेश की जनता को भी इस मुहिम से जोड़ा गया है। 7 तारीख को शिक्षा विभाग सहित, वन विभाग सहित, पंचायत राज विभाग सहित सारे भी जितने भी विभाग राजस्थान के हैं वो सारे विभाग लग करके पौधा रोपण करेंगे, जो आगे जाके वृक्ष बनेंगे। और वही नहीं, अब तो ये जन आंदोलन हो गया है। मैंने पूज्य संतों को निवेदन किया, गौमाता की जो शालाएं चलाते उनसे निवेदन किया है, मैंने किसानों से निवेदन किया है, मैंने कोचिंग क्लासेज वालों से निवेदन किया है, मैं निजी विद्यालय वालों से निवेदन किया है, सरकारी विद्यालय वालों को भी निर्देश दिए हैं, और मैंने तो मोटरसाइकिल चलाने वाले, कार चलाने वाले लोग और जो एसी रखने वाले लोग, ट्रैक्टर रखने वाले लोग, बस रखने वाले लोग, सबसे भी निवेदन किया है कि आपको भी इस काम में भागीदारी निभानी है। और सबने मुझे आश्वस्त किया है कि हम पूरी ताकत के साथ पौधे लगाकर पेड़ बनाएंगे और शायद तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे, ऐसे कईयों ने रिएक्शन दिए हैं। सीकर के जो दिनेश गिरी जी महाराज है, वो 51,000 पौधे लगाएंगे, उन्होंने ऐसा आश्वस्त हमको किया है। कई लोगों ने हमको 1,00,000 पौधे लगाने का भी कहा है, 20,000 पौधे लगाने के भी, जो चुरू की सरपंच भाई राठी, उन्होंने भी कहा है। ऐसे कई लोगों ने आश्वस्त किया है, मैं समझता हूँ उस दिन पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जन आंदोलन हो गया, पूरा समाज मिलकर के पौधे लगाएगा और उनको पेड़ बनाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक बात आ सकती है, हर साल पौधे लगते, इतने प्रतिशत तो पेड़ बनते ही नहीं, तो अब की बार राजस्थान सरकार ने अनूठा प्रयोग किया है। वो अनूठा प्रयोग यह है कि 200 पेड़ जहां होंगे सराउंडिंग एरिया में, वहां हम एक नरेगा कर्मी उसका रखवाला भी रखेंगे और उसको पानी पिलाने की जो व्यवस्था भी करेगा, इसके कारण से पौधे बचेंगे। हमने शहर सभी नगर निकायों से भी निवेदन किया है कि आप भी पौधे लगाएं, वहां समाज के लोग भी पौधे लगाएंगे, तो जो पौधे लगेंगे उनमें ट्री गार्ड की व्यवस्था करें, जो सक्षम लोग नहीं है उनके लिए, और जो सक्षम लोग हैं खुद अपने खर्चे से ट्री गार्ड लगाएं उनको, और नगर निकाय हैं वो पानी पिलाने की व्यवस्था भी उसका करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके लिए आपका ही परिसर हो पौधे लगाने के लिए, कहीं भी जा करके लगा दीजिए,
यदि सब कोई लोग मिलकर के सघन वृक्षारोपण करके बगीचा बनाना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो फाइनेंस कमीशन का पैसा है उसका फेंसिंग भी करवा दें। तो इस प्रकार की सब प्रकार की व्यवस्था इसके लिए की है। मेरा मानना है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे।